उस्मान साहब आ रहे हैं, उस्मान साहब आ रहे हैं, हमारे उस्मान साहब आ रहे हैं, आ गए उस्मान साहब, हमें पता मिल गई है। हे माशाल्लाह, माशाल्लाह। शाबाश उस्मान साहब, माशाल्लाह। शाबाश उस्मान साहब। आपने मुझे मायूस नहीं किया, जिस तरह मैंने मेहनत से आपके लिए तलवारें तैयार की। ऐ दोनों जहानों के मालिक, मैं आपसे इन नफा बख्श चीजों की दुआ करता हूँ जो हमारे सरकार दो आलम ने हमारे लिए मांगी। ए माशाल्लाह। आज हम अपने मुस्तकबिल के लिए लड़े। शुक्र है अल्लाह का के हम फखर से वापस आए और अर्तुरुल गाजी के असीम वतन को फतह किया। उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद। ये फतह खास तौर पे तो मिल्लत की फतह है, सबसे पहले उन माओं की फतह है जिनके बेटे इस जंग में शरीक हुए। ये फतह उन बहनों की है जो अपने शोहरों और भाइयों को जंग के लिए भेज दी है। ये हम सब की फतह है। ये फतह इस्लाम के परचम तले बनने वाली ऐसी पहली रियासत होगी जो अबद मुद्दत तक कायम रहेगी। लेकिन ये बात मत भूलिएगा कि फतह की हुई सरजमीन की हिफाजत करना किसी नई सरजमीन को फतह करने से ज्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए हम इसे कारखानों के साथ, मस्जिद के साथ जिसमें हम इबादत करते हैं, और उस मुस्तकबिल के साथ जिसके लिए हम कोशिश करेंगे, इस सरजमीन को जिसे हमने अपना खून दिया, एक अजीम रियासत बनाएंगे और उस रियासत में अदालतें इंसाफ भी देंगी। बगावत करने वाले का अदालत के अंदर सर भी उतारा जाएगा। इस्लाम, अल्लाह का कलाम, हमारी रियासत, हमारी मिल्लत और हमारा इंसाफ दायमी होंगे। अल्लाह राजी हो, अल्लाह राजी हो। आपने सिर्फ मैदान जंग ही फतह नहीं किया बल्कि अपने इंसाफ से हमारे दिलों को फतह किया। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे मेरे बेटे से मिला दिया। और इस फतह के साथ आपने रोशन किया हमारी तारीख तकदीर को। उस्मान साहब, शुक्रिया। दाऊद उस्ताद, शुक्रिया। अहमद सिपाही, या अल्लाह तेरा शुक्र है, जीते रहो बेटा, जीते रहो। इधर आओ मेरे बेटे, इधर आओ। या अल्लाह तेरा शुक्र, तेरा लाख लाख शुक्र। अल्लाह का शुक्र है कि आप सही सलामत वापस आए। अल्लाह का शुक्र है खातून कि हम सही सलामत यहाँ हैं। आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र ना करो खातून। शुक्र है आप सही सलामत वापस आ गए बाबा। मैं तुम्हारे बच्चे से मिलने का ख्वाहिशमंद हूँ बेटी, मैं कैसे वापस नहीं आता।
माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है मेरे बेटे तुम आ गए। बाबा जान तुम वापस आ गए। अल्लाह का माशाल्लाह। आप हमेशा फतहयाब रहे उस्मान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया मलहून खातून। शुक्रिया बाला। अल्लाह का शुक्र है कि हम इस फतह को देखने के लिए जिंदा रहे। आपकी फतह और आपके बच्चे की खबर ने कबीले में अमन कायम किया। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे उस्मान। ये दोहरी फतह है। इस तरह दोनों को साथ देखना, ये दोनों की ही फतह है। मेरे रब का लाख लाख शुक्र है। उस्मान साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो हमें आपसे बात करनी है। क्यों नहीं, जरूर अंदर चलिए।